अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेशे खिदमत है इंतहाई पुरिसरार नावल अमावस की रात, एपिसोड नंबर 12। आनंद गुप्ता ने एक लंबा सांस इस तरह से लिया जो सिगरेट नोशी करने वाले सिगरेट का लंबा सकश लेकर इसका धुआं फिजा में छोड़ते हैं। इसने अपना सांस इस तरह छोड़ दिया, इतनी गहरी कि सामने रखे हुए कई कागजात उड़कर नीचे गिर गए। वो इस वक्त अपनी खूबसूरत और वसीओ अरीज ऑफिस में बैठा था, लेकिन आज इसका मूड कुछ ज्यादा ही अफसुरदा सा था। साहली इलाके में एक शराबी दूनी को मैकशी में बड़ी शोहरत हासिल थी। वो मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया था। वो इस शहर के हर मारूफ बल्कि गैर मारूफ लोगों के बारे में भी खूब जानता था। इसने आनंद गुप्ता की इन अल्फाज में तारीफ की थी। वो एक लंबा, भारी भरकम और अजीब से मिजाज का आदमी है। इसकी उम्र 60 बरस की नहीं तो ना इससे ज्यादा होगी, बल्कि वो 60 बरस का दिखाई नहीं देता था। वो गहरे भूरे बालों की विग पहनता है जिसके बहन से जैसे सर पर फिट नहीं आती है, इसलिए वो हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाता है। इसका सर बिल्कुल गंजा है, चटियल मैदान की तरह, और इस पर अंडे का गुमान होता है और शायद इसे छुपाने के लिए विग इस्तेमाल करता है। जब कभी भी वो अपनी किसी गाहक औरत से मिलता है तो विग इस तरह उठाता है जैसे अंग्रेज लोग किसी खातून को देखकर एहतरामन हैट उठाते हैं। नाक ना सिर्फ लंबी है बल्कि बहुत मोटी भी है। नथने नेपाली मर्द और औरतों की तरह फूले हुए, ऐसा लगता है कि वो मंगोली कबीले से ताल्लुक रखता है। आंखें छोटी छोटी भूरी माइल थी। मोटे चेहरे के साथ वो किसी सरमाई मछली की तरह दिखाई देता था, अगरचे मस्खरा है, मस्खरी हरकत भी करता है। इसके बावजूद इसकी सबसे बड़ी खूबी और इनफरादियत ये थी कि वो कदीम और नादिर अशिया का माहिर है। कीमती पत्थरों, जवाहरात, जेवरात और फन्ने मुसव्वरी के बारे में इसकी मालूमात हैरत अंगेज थी। पूरे शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में इसके पाए का जोहरी और कदरशनास कोई ना था। सिटी एरिया के कमर्शियल मार्केट में जो बहुत बड़ी गैलरी थी वो इसका इकलौता मालिक था। कई मीरजादों ने इसे हिस्सादार बनाने की पेशकश की थी जो इसने साफ इनकार कर दिया था। इसे पार्टनरशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अपनी इस बेपना आमदनी देने वाली आर्ट गैलरी के अलावा आनंद गुप्ता चोरी की नादर अशिया खरीदता और बेचता भी था। ये काम इसे हालात के तहत करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर नायाब चीजें जमा करने का कोई शौकीन इसके पास आता है और इसे बताता है कि इसे फलां कदीम और नायाब अशिया पसंद है, मगर इसका मालिक इसे किसी कीमत पर फरोख्त नहीं करता। फिर वो इस चीज के हसूल के लिए इतनी बड़ी कीमत की पेशकश करता कि आनंद गुप्ता को लालच आ जाता। वो किसी ऐसी चीजों के हसूल के लिए किसी माहिर चोर से रابطہ करता, फिर वो चीज चोरी हो जाती और आनंद गुप्ता भारी कीमत पर इस ख्वाहिशमंद को फरोख्त कर देता। वो गाहक खुश हो जाता क्योंकि नादर अशिया इसकी कमजोरी होती थी। आज इस रोशन, सुहानी और चमकीली सुबह को अपने 6 माह के गुज़श्ता मुनाफे का हिसाब लगा रहा था। चूंकि वो कारोबारी था इसलिए हिसाब किताब करता रहता था, लेकिन वो अपनी आमदनी से कतई मुतमईन नहीं था क्योंकि इसकी बड़ी आमदनी का बड़ा हिस्सा खुफिया गाहकों के तवस्सुत से आता था। ये इसका जरिया था, इसलिए ये बड़ा नाजुक मसला था क्योंकि इसके असल गाहक उम्र रसीदा होते थे और इनकी जानशीन नई नस्ल को इन नायाब अशिया से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। वो शो बिजनेस की पुरशबाब और नौजवान लड़कियों के साथ इन्हें नादर अशिया समझकर दिल बहलाते थे। आनंद गुप्ता अपने मालदार ऐसे गाहकों की फेरिस्त देख रहा था जो इसके मुस्तकिल गाहक थे। इसे सरोप कुमार का नाम नजर आया। सरोप कुमार इसके अच्छे और मोतबर गाहकों में से था। इसने सरोप कुमार को मुंह मांगी कीमत पर इसके हाथों कीमती चीजें फरोख्त करके बड़ा मुनाफा कमाया था, मगर अब इसका देहांत हो चुका था। अब ऐसा मुनाफा किसी से मिल नहीं सकता था। वो यही सोच रहा था कि इसका हेड सेल्समैन मुरली अंदर आया। लोग इसे मजाक में मूली कहते थे क्योंकि वो देखने में बिल्कुल मूली की तरह दिखाई देता था और इस पर किसी छड़ी का सा गुमान होता था क्योंकि वो था ही दुबला पतला। इसकी उम्र का अंदाजा नहीं होता था, लेकिन आनंद गुप्ता जानता था कि इसकी उम्र 30 और 40 बरस के दरमियान है। इसके बाल लंबे और मोटे और अखरोटी रंग के थे, पतला और बेरौनक चेहरा, छोटी आंखें और बारीक होंठ जो ये तासुर देते थे कि वो एक चूहा है। क्या तुम जानते हो कि कौन आया है, मुरली ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन इसमें सरगोशी थी और आनंद गुप्ता ने इसका लहजा पुरिसरार सा महसूस किया। अनूप कुमार, वो रोगनी रंग खरीद रहा है। मैंने इसे जो जो रंग दिखाया है इसके बारे में सोचा कि तुम्हारे इल्म में ले आऊं ताकि तुम बाद में मुझसे शिकायत ना करो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, आनंद गुप्ता एक झटके से खड़ा हो गया। क्या हुस्न इत्तफाक है, मैं अभी इसके स्वर्गवासी बाप के बारे में सोच ही रहा था कि वो खुद आ गया, जबकि मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि आएगा। वो जिस तरह से और जिस अंदाज से दुकान पर आया है
इसे लगा जैसे कोई बादमानी कश्ती चली आई हो। मुरली ने कहा, तुमने बड़ी अकलमंदी की है जो मुझे बता दिया। आंत गुप्ता ने कहा, अभी मैं जाकर इसका स्वागत करता हूँ। हेलो मिस्टर अनूप। हेलो मिस्टर अनूप कुमार, इसने बड़ी खुश दिली से कहा, आपने मेरी दुकान पर आकर बड़ी इज्जत बख्शी है। इसकी आवाज़ सुनकर अनूप कुमार इसकी तरफ घूमा और इसके बाल गंदमी रंग के थे। इसका चेहरा जर्द था, किसी ऐसे आदमी की तरह जिसने कभी धूप ना देखी हो, और खदोखाल मौजू और मुनासिब थे। मगर इसकी आंखों ने आंत गुप्ता को बुरी तरह चौंका दिया और वो उपल पत्थर किसी सफेद और धुंधलाई हुई थी। इनमें और इसके चेहरे में कोई तासुर ना था, वो स्पार्ट सा था। मेरा नाम आंत गुप्ता है, इसने अपनी बात जारी रखी। मुझे आपके पिताजी की बरसों खिदमत करने का शर्फ हासिल है, लिहाजा इसलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अनूप कुमार ने सर हिला दिया, ना ही वो मुस्कुराया और ना अपने हाथ को हरकत देने की कोशिश की, मगर इसके सर्द रवैये का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका वास्ता कभी कभी ऐसे दौलतमंदों से भी पड़ जाता था जो इसे बड़ा हकीर ख्याल करते थे, लेकिन वो इन बातों की कभी कोई परवाह नहीं करता था और ना ही वो इनकी किसी बात का दिलो दिमाग पर कोई असर लेता था। इसलिए भी कोई इनसे खूब मुनाफा कमाता था और दोनों हाथों से गैर महसूस अंदाज में एक लुटेरे की तरह लूटता था। वो एक कारोबारी शख्स था, इसे सिर्फ पैसों से गर्ज होती थी। हर किस्म के ग्राहक आते थे, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से गर्ज होती थी, इसलिए इनका रवैया बर्दाश्त कर लेता था। मैं कुछ रोगनी रंग खरीदने आया था, अनूप कुमार ने इसकी तरफ मुतवज्जो हुए बगैर कहा। उम्मीद है कि आपको जरूरत और पसंद की और हर चीज बासानी मिल गई होगी, आंत गुप्ता ने जवाब दिया। हाँ बेशक, अनूप कुमार ने बड़ी बेपरवाही से सर हिला दिया, और इसने जो जो रंग खरीदे थे इन्हें पैक करने की हिदायत की। यह आपकी वाहिद दुकान है जिसमें आला किस्म के रंगो रोगन मिल जाते हैं, मुझे मालूम हुआ था कि आप आर्टिस्ट हैं, आंत गुप्ता ने कहा। इसके बावजूद मुझे शर्फ़े मुलाकात का मौका नहीं मिल सका, इसलिए कि मुझे दूसरे आर्टिस्टों के काम से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, अनूप कुमार ने कहा। मैं सिर्फ अपने काम से सरोकार रखता हूँ, इसलिए स्टूडियो में सिर्फ अपनी पसंद का काम करता हूँ। ठीक कहा आपने, बड़े आर्टिस्टों की यही पहचान होती है, आंत गुप्ता ने फौरन इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अगर कभी मुझे आपका कोई फन पारा देखने का न्याज हुआ तो बड़ी खुशी होगी। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, अमरलाल जी से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि आपकी माता जी ने इससे आपके फन पारों के मुतालिक राय पूछी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो आर्ट का बहुत बड़ा निकाद है, इसने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी। बहुत कम निकाद ऐसे होते हैं जो आर्ट के बारे में कुछ जानते हैं, अमरलाल जी इनमें से एक है। ये सरासर झूठ था, क्योंकि आंत गुप्ता के नज़दीक अमरलाल जी जालसाज और धोखेबाज नहीं था, बल्कि वो सिरे से नकाद ही नहीं था। इसने मुझे बताया कि तुम्हारी तस्वीर बहुत नुमाया, शानदार और फन का आला नमूना है। एक और झूठ, क्योंकि अमरलाल जी ने कहा था कि अनूप कुमार का काम न सिर्फ गैर सेहतमंद बल्कि कारोबारी एतबार से कतई बेकार है और इसे एक आर्टिस्ट कहा नहीं जा सकता। इसने मुझे बताया वो अनूप कुमार की तारीफ में मुसलसल बोले जा रहा था। आपके काम में भरपूर तवानाई, बेहतरीन तसव्वुरात और रंगों में ऐसा बहाव मौजूद है जो बहुत कम नज़र आता है, और जब कोई बड़ा निकात किसी आर्टिस्ट के बारे में अपनी राय जाहिर करे तो मैं इसकी मेहनत और फन को अवाम तक पहुंचाने के लिए बेचैन हो जाता हूं। क्या आप मुझे अपनी तस्वीरों की नुमाइश करने का मौका दे सकते हैं? ये मेरे लिए ना सिर्फ बड़ी मुसर्रत बल्कि एजाज़ की बात होगी। प्लीज़ आप इनकार ना करें, आंत गुप्ता ने दिल के किसी कोने में लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये तारीफ इस मछली के लिए चारा ना बन सके तो इस पर लानत है। मेरा काम बहुत ही मखसूस नौइयत का है, अनूप कुमार ने जवाब दिया। इसका अंदाज़ा हर कोई नहीं कर सकता। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि बेशक इसकी माँ ने अमरलाल जी को चंद तस्वीरें दिखाई थी, मगर ये पहला मौका था कि किसी ने इसकी मेहनत को ऐसे शानदार अल्फाज में पजीराई की थी। इसे शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि दुनिया इसे एक अजीम आर्टिस्ट की हैसियत से पहचाने। इसके पास अपनी खुफिया खौफनाक तस्वीरों के अलावा कुछ दूसरी तस्वीरें भी थीं। बिलाशुबा इसका फन बहुत खास था। आंत गुप्ता ने इसे हिचकिचाते हुए देखकर कुछ और मक्खन लगाया। शायद आपको खुद अपनी कदरों कीमत का अंदाजा नहीं है, आंत गुप्ता ने कहा। अमर लाल जी जैसा नकाद कभी गलत नहीं कह सकता, मुझे एक मौका जरूर दें। जरा आप ठंडे दिल से सोच विचार करें कि आप जैसा अजीम मुसव्विर अपने फन पारों की नुमाइश से हिचकिचा रहा है तो ये दुनिया की आर्ट का कितना बड़ा नुकसान होगा, और फिर इस शहर में जितने कदरदान हैं वो कहीं और नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया अभी मेरे फ़न के इस्तकबाल और पजीराई के लिए तैयार नहीं। अनूप कुमार अब भी झिझक रहा था। वो बहुत एडवांस और तरक्की याफ्ता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ताहम मैं इस मसले पर संजीदगी से गौर करूँगा, इसलिए मुझे वक्त दरकार है। मैं आपके एहसास समझ रहा हूँ, लेकिन आपका फ़न किस मेयार का है?
चूँकि फैसला करना मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझ पर छोड़ दें। चलें, नुमाइश ना सही, लेकिन आप एक तस्वीर अनायत फरमा दें ताकि मैं इसे दुकान के शोकेस में रख सकूं, ताकि आर्ट के शायकीन इससे महजूज हो सकें। आंत गुप्ता ये समझ रहा था कि मछली ना सिर्फ चारा बल्कि कांटा भी निकल गई है, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ था। इसके पास तृप के पत्ते और भी थे। तहम इसने अनूप कुमार के बछड़े से अंदाज़ा कर लिया था कि मछली इसके कांटे में फंस रही है। फिर इसने अपनी बात जारी रखी, मैं वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से काम लूँगा। अवामों खास का जो भी रद्दमल हो तस्वीर के बारे में, बिला कमो कास्त बता दूंगा। आप खुद ही देख लेंगे कि दुनिया किस तरह एक और अजीम आर्टिस्ट को हाथों हाथ लेती है। आप सिर्फ बहुत खुश ही नहीं बल्कि हैरान भी हो जाएंगे। अनूप कुमार का अपना ख्याल ये था कि इसका फन बहुत नुमाया है, लेकिन इसे इस बात का यकीन नहीं था कि इस गद्दार शहर में जो दौलतमंद हैं इसके काम की हकीकी कदर कर सकेंगे। फिर भी आजमाने में हर्ज ही क्या है, कौन सा नुकसान होगा। इसने मिलाकर फैसला कर लिया। अच्छी बात है, इसे चंद लम्हों के बाद असबात में सर हिलाते हुए कहा, किसी आदमी को मेरे विला भेजना, मैं इसे अपनी एक तस्वीर दे दूंगा, तुम इसे नुमाइशी खिड़की पर रखना, लेकिन ये बात अच्छी तरह से जान लो कि तस्वीर पर मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि वो तस्वीर मैंने बनाई है। अगर किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली तो तब मेरी तस्वीर वापस कर देना, अगर इसके बरक्स हुई तो फिर मैं तुम्हें अपनी तस्वीरों की नुमाइश करने दूंगा। बहुत बेहतर जनाब, आंत गुप्ता ने इस बात में सर हिला दिया, आप मुतमिन रहें, मैं आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखना कि किसी को भी ये इल्म ना हो कि इसके तस्वीर का खालिक कौन है, समझ गए ना। अगर किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली तो फिर इसे मेरी विला भेज देना। अनूप कुमार ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर अपनी बात दोहराई, जब तस्वीर पसंद की जाएगी जबी और तस्वीरें नुमाइश के लिए दूंगा। अनूप कुमार के लहजे में ऐसी कोई बात थी कि आंत गुप्ता के सारे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। बहुत बेहतर, आंत गुप्ता ने जवाब दिया, मैं आपकी बात समझ गया, आप मुझ पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। इसके सेल्समैन ने मुख्तलिफ खरीदे गए रंगों का पार्सल बनाकर दे दिया। अनूप कुमार इसे उठाकर कीमत अदा करके आगे बढ़ा। दुकान में बहुत सारी चीज़ें बराए फरोख्त रखी हुई थी। वो एक छोटे से शोकेस के सामने रुक गया। वो इस चीज़ को गौर से देखने लगा जो शोकेस के अंदर सफ़ेद मखमल पर रखी थी, लेकिन इसे कुछ अंदाज़ा ना था कि इस चीज़ ने आखिर इसे क्यों अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। ये चीज़ चांदी से बनाई गई थी, इस पर बड़ी नफासत से कंदाकारी की गई थी, इसे जमुर्द हीरे के छोटे छोटे नगों से आरास्ता किया हुआ था। इसकी शक्ल किसी खंजर की तरह से था और इसकी लंबाई 4 इंच से ज़्यादा ही थी। ये क्या है, अनूप कुमार ने इससे दरियाफ्त किया, ये एक नायाब लॉकेट है। आंत गुप्ता ने जवाब दिया, एक मिनट मैं निकाल कर दिखाता हूँ। फिर इसने शोकेस का कवर उठाकर लॉकेट को निकाल लिया। फिर इसने अनूप कुमार के हाथ में थमा दिया तो इसे दिलचस्पी से देखने लगा, ये किस किस्म का लॉकेट है। अनूप कुमार ने उलट पलट कर देखते हुए पूछा, ये इस लॉकेट की नकल है जो किसी जमाने में सुलेमान आजम पहना करता था, आंत गुप्ता ने बताया, क्योंकि इसे हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता था, ये इसकी हिफाजत का पोशीदा जरिया था। और बिला शको शुबा कहा जा सकता है कि झटके से बरामद होने वाला फल के चाकुओं में ये पहली और मुनफरिद ईजाद है। ये ईजाद सिर्फ मेरी दुकान पर दस्तियाब है। झटके से बरामद होने वाला फल, अनूप कुमार ने पूछा। जी हाँ, असल लॉकेट 1560 में सुलेमान पहना करता था। ये बात मशहूर है कि इस खंजर ने एक हमला आवर से इसकी जान बचाई थी। ये नायाब लॉकेट एक यूरोपी सयाह ने लाकर मेरे हाथ फरोख्त किया था। आंत गुप्ता ने अपने सेल्समैन को बुलाकर लॉकेट इसकी गर्दन में डाल दिया। फिर कब्जा के ऊपर लगे हुए एक हीरे को दुबाया। चांदी के नियाम से एक पतला और बारीक फल उछलकर बाहर निकला। ये फल उस तरह से ज्यादा तेज और सख्त भी है, आंत गुप्ता ने कहा, ये कतई एक नायाब और अनमोल शय है। अनूप कुमार ने 4 इंच लंबे चमकदार फल को दिलचस्पी से देखा। इसे ऐसा लगा जैसे इसकी जिनसी जज्बात उभरने लगे हों। ये एक ऐसी चीज थी जिसे वो हर सूरत में हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो गया। आप इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं, अनूप कुमार ने दरियाफ्त किया। ये एक नायाब चीज है, किसी भी म्यूजियम में रखे जाने के लायक, आंत गुप्ता ने कारोबारी लहजे में कहा। आप इसकी कीमत बताएं, अनूप कुमार स्पार्ट लहजे में बोला, 50,000 रुपये। दुनिया में इस जैसा नादिर लॉकेट नहीं, मैं इसलिए भी आपको रायती कीमत पर दे रहा हूँ कि आपके पिताजी मेरे पुराने करम फरमा मुस्तकिल गाहक थे। मैं भाव ताव नहीं करता। म्योरी म्यूजियम ने 60,000 रुपये की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे मंजूर है, अनूप कुमार ने कहा। आंत गुप्ता ने नियाम की नोक पर रखा हुआ एक जमुर दुबाया और फल अंदर चला गया। इसे इस बात की तवक्को नहीं थी कि अनूप कुमार 50,000 रुपये पर फौरन ही तैयार हो जाएगा। अगर वो 1,00,000 रुपये भी बताता तो शायद तैयार हो जाता। वो दिल में काफी अफसोस मलने लगा, इसने ये क्या कीमत की। अनूप कुमार जैसे 2,00,000 रुपये भी दे सकते थे। अगर वो मोल तोल करता तो शायद
20,000 में सौदा हो जाता। 50,000 रुपए देने के लिए फौरन ही तैयार हो जाना इसके वहमो गुमान में भी ना था। इसने सेल्समैन के गले से लॉकेट उतारकर अनूप कुमार की तरफ बढ़ा दिया। ऐसी नादरिश्या हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी। अनूप कुमार ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। इसने चांदी की जंजीर को पकड़कर अपने गले में डाल लिया। फिर अगले लम्हे वो कद आदम आईने के सामने खड़े होकर अपना नाकेदाना नजरों से जायजा लेने लगा। दिल में सोच रहा था कि इसे ये काम और अपने मतलब की चीज मिल गई। अगर वो इसकी कीमत 2 लाख रुपए भी बताता तो इसे खरीद लेता। इसका इस दुकान पर आना बड़ा फायदामंद हुआ था। लेकिन वो हैरान था कि जब वो गुज़िश्ता मर्तबा आया था तो इसकी नज़र इस पर क्यों ना पड़ी। फिर इसे याद आया कि इसकी नज़र पड़ी थी, शायद इसने तवज्जो नहीं दी थी। देर आयत दुरुस्त आयत, आंत गुप्ता इसे देख रहा था और सोच रहा था कि आज इसने बड़ा ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है। इसे ऐसा मुनाफा शायद ही कभी मिल सके। इसमें कोई शुबा नहीं था कि ये इस असली लॉकेट की नकल था जो सुलेमान आजम पहना करता था। आंत गुप्ता ने इसकी तस्वीर एक अंग्रेजी रिसाले में देखी थी और फिर इसने किसी ख्याल के तहत अपने बेहतरीन कारीगर से इसकी नकल करा ली थी। इस नकल पर सिर्फ 300 रुपए की लागत आई थी। जो हीरे और जमुर्द इस पर जड़े हुए थे वो थे तो नकली, लेकिन असली की तरह मालूम होते थे। हर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये नकली हैं, सिर्फ जौहरी ही बता सकता था। अनूप कुमार ने हीरा दबाया, फल बाहर आ गया। फिर इसने जमुर्द दबाया तो फल अंदर चला गया। इसने कोई 2 मरतबा अंदर बाहर किया। इसकी कीमत मेरे हिसाब में लिख लो, इसका बिल बनाकर भेज देना, अनूप कुमार ने कहा। फिर वह दुकान से बाहर निकल आया। लॉकेट इसकी गर्दन में इधर उधर झोल रहा था। मुरली जो अब तक बड़ी खामोशी से देख रहा था, इसने अनूप कुमार को देखा जो नजरों से ओझल हो गया था। इसके पास आकर कहा, सेठ साहब आपने तो कमाल कर दिया, आप बड़े होशियार सेल्समैन हैं। आज मुझे अंदाजा हुआ इस आदमी में कोई अजीब सी। अंत गुप्ता कहते कहते रुक गया। चंद मिनट में इसने 49,700 रुपए का मुनाफा कमा लिया था। फिर वो अनूप कुमार के बारे में सोचकर इस कदर परेशान और हिरासा क्यों हो रहा है? इतना मुनाफा तो इसे कभी ख्वाब में भी नहीं मिल सकता था। देखो मुरली, इसने कहा, आज पहर अनूप कुमार के घर जाकर इसकी एक तस्वीर ले आओ, हम इसकी नुमाइश करेंगे। अगरचे मैं अमर लाल जी को कोई अहमियत नहीं देता, मगर हमें याद रखना चाहिए कि इसके ख्याल में अनूप कुमार के काम की कोई कारोबारी अहमियत नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारा गाहक बन गया है। हम आइंदा भी इस बेवकूफ़ से कमाते रहेंगे। 170 फोन कॉल और 18 जाती मुलाकातों के बाद मुंबई शहर की दिलचस्पी गोल्फ की गेंद जैसी बटनों वाली जैकेट से कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये सब कुछ ला हासिल ही रहा था, मगर उन्होंने जो कुछ मालूमात फ्राहम की थी इन्हें इकट्ठा करना और तरतीब देना बहरहाल ज़रूरी था। इन्हें किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस सुबह रामदास और रंजीत अपनी अपनी मेज़ों पर मसरूफ थे। गुज़िश्ता रात 1 बजे के बाद रामदास घर पहुँचा था। वो बेहद थका मांदा भी था। टीवी लाउंज बड़ा गंदा और बेतरतीब हो रहा था। ऐसा लग रहा था घर में मेहमान नहीं बल्कि डकैत गुस्साए हों। इसकी मार्क विस्की की बोतल मेज़ पर खाली रखी थी। इस्तेमाल शुदा ग्लास, सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई एस्ट्रे और प्लेटें जगह जगह रखी थी। इसे वहशत सी होने लगी। नीमा गहरी नींद सो रही थी, मगर इसकी सांसों से ऐसा मालूम होता था कि इसने भी काफ़ी शराब पी थी। इसने शराब ना पी होती तो इसके इंतज़ार में जाग रही होती। इसकी नींद बड़ी कच्ची थी, वो इसकी आहट पर बेदार हो जाती। वो समझ गया कि रीमा टीवी के वाक्या से दिल गिरफ्तार है, वरना इसके चेहरे पर दुख और कर्ब ना होता। रामदास लिबास तब्दील करके इसके बराबर लेट गया। इसे अपनी आगोश में लेकर इसके चेहरों पर बोसों की बौछाड़ कर दी। वो ज़रा सी किस्मसाई। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि रीमा ने खूब पी है। इसके मुँह से शराब की बू आ रही थी। फिर इसने रीमा को आगोश से निकाल कर सोने की कोशिश करने लगा। इसे जल्द ही नींद ने आगोश में भर लिया। सुबह जब वो बेदार हुआ तो रीमा तब भी गहरी नींद सो रही थी। फिर वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, थकन तारी थी, मगर वो किसी ना किसी तरह 7:30 बजे दफ्तर आ गया था। रंजीत और नारायण भी आ गए थे। अब वो तीनों मिलकर रिपोर्टों को तरतीब देने लगे। दरमियान में किसी काम से नारायण चला गया था। 10 बजे तक तमाम रिपोर्टें देखी जा चुकी थी, मगर इन सबसे मिलने वाली मालूमात 0 थी। इन्हें मोहन का, श्याम कुमार और मिनकेट राम का हुलिया ज़रूर मिल गया था। इन तीनों को वो जैकेट पहने देखा गया था, लेकिन चौथा जैकेट जिसे सरोप कुमार ने खरीदा था इसके बारे में कोई इतला नहीं थी, जबकि इसकी मालूमात की बहुत ज़रूरत थी। नारायण भी इस वक्त तक लौट आया था। कोई एक बात भी नहीं जो काबिले गौर हो, रामदास ने कहा। क्या तुम दोनों को कुछ मालूम हुआ जिस पर सोचा और गौर किया जाए? ओके नारायण, तुम जाकर इन 2 कपड़े वालों से बात करो, हो सकता है इनमें से कोई झूठ बोल रहा हो। रामदास ने इन दोनों के नफी में सर हिलाने पर कहा, मेरा ख्याल है कि शायद कोई मुफीद बात इल्म में आ जाए। नारायण ने सर हिलाया और कमरे से चला गया। रंजीत फिर एक बार इन रिपोर्टों का जायजा लेने लगा।
रामदास को एक और ख्याल परेशान कर रहा था, जिसका पुलिस के काम से दूर दूर तक जरा भी ताल्लुक नहीं था। अगले महीने रीमा की सालगिरह थी और इसे इस वक्त इसकी तारीख याद नहीं आ रही थी। ये बात कई दिनों से इसके जहन में चुभ रही थी और फांस की तरह इसके सीने में गड़ी हुई थी। वो रीमा से किसी बहाने पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि ये सरप्राइज होता था। रीमा को इसकी तारीख पैदाइश याद थी, इसे सिर्फ महीना याद था। वो रीमा के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता था। वो जानता था कि इसे तारीख याद नहीं आई तो रीमा से कई दिनों तक इसका झगड़ा चलता रहेगा, इसे पास आने भी नहीं देगी। इसे कुछ मुबहिम सा याद था कि गुज़िश्ता बरस वो रीमा को इसके पसंदीदा गिरा खर्च रेस्टोरेंट में ले गया था। मुमकिन है वहाँ का हेड वेटर इसे सही तारीख बता सके, क्योंकि हेड वेटर ने इसे शनाख्त कर लिया था। लेकिन फिर इसे याद आया कि वो इस रेस्टोरेंट का नाम भूल गया है। जहन पर बहुत जोर दिया लेकिन इसे कुछ याद ना आया। फिर इसने झंझलाकर अपनी मेज़ पर एक घोंसा दे मारा। क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? रंजीत ने चौंक कर इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो ऐसी अलामतों को खूब पहचानता था और फिर वो रामदास के मिजाज से बखूबी वाकिफ था। हाँ, रामदास ने सर हिला दिया, मैं रीमा की तारीख पैदाइश को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो याद नहीं आ रही। मैं बताता हूँ, रंजीत ने मुस्कुराते हुए बगैर किसी हिचकिचाहट के बताया, वो तारीख परसों है, अब याद आ गया होगा। रामदास ने इसे तेज़ नज़रों से घूरा। मजाक कर रहे हो? रामदास ने कहा, इसकी सालगिरह आइंदा महीने है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। नहीं, मैं मजाक क्यों करूँगा? रंजीत ने कहा, मुझे क्या भाभी के मिजाज का अंदाज़ा नहीं है? परसों दिन है, यानी 12 तारीख। मैं तारीख पैदाइश नोट रखता हूँ, इसलिए आपको सही बता रहा हूँ। क्या रखते हो? रामदास इसे मुसलसल घूरे जा रहा था। गलत तो नहीं बता रहे हो? हम लोग जो पोना शहर से ताल्लुक़ रखते हैं वो बड़े जज्बाती होते हैं, रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। चूँकि मेरा बाप बनिया था, इसलिए मुझे पता है कि हमें कंजूस कहा जाता है। मेरे पिताजी बनिया थे लेकिन कुछ पढ़े लिखे थे। मेरे वालिद बर्थडे की एक नोटबुक रखा करते थे। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मुबारकबाद के कार्ड या कोई तोहफा भेजा करते हैं। चूँकि रीमा पड़ोसन भी रही है, हम दोनों घरानों में आमदोरफ्त भी रही है। मैंने तो इसके लिए परफ्यूम की शीशी तोहफे में देने के लिए खरीद भी ली है, जो परसों इसे मिल जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि इसका यौम पैदाइश वाकई परसों है? रामदास ने एक गहरा सांस लिया। तुमने सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। बिल्कुल है, 100% है, रंजीत ने हंसते हुए कहा। मैं कल आपको बर्थडे नोटबुक लाकर दिखाऊं? ओ मेरे भगवान, मैं तेरी सौगंध खाकर कह सकता हूं कि इसकी अगले महीने सालगिरह है, रामदास ने कहा। तुम इसे तोहफे में परफ्यूम दे रहे हो, मगर मैं इसे क्या दूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई अच्छा सा पर्स दे दो, खुशनुमा भड़कीला सा लिबास खरीद लाओ, या फिर कोई जेवर। औरत की कमजोरियाँ लिबास, जेवर और पर्स भी होती हैं, रंजीत ने जवाब दिया। लेकिन इसका इनसार इस बात पर है कि आप कितना खर्च करने की सकत रखती हैं। सवाल ये नहीं कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, बल्कि असल बात यह है कि कितना खर्च करने के काबिल हूँ, रामदास ने सोचते हुए कहा। वैसे कोई अच्छा सा चेरी बैग खरीदना मुमकिन भी है। ठीक है, मैं इसे पर्स ही दे दूंगा, इसलिए भी कि इसके पास कोई अच्छा सा पर्स नहीं है। वो पर्स देखकर बहुत खुश हो जाएगी, मुझसे कई बार कहती रही है कि पर्स की हालत बहुत ख़राब हो रही है। अगर आप दोनों आपस में बातें ख़त्म कर चुके हैं तो क्या थोड़ी सी तवज्जो मुझे भी देना पसंद करेंगे? एक आवाज़ ने कहा। आवाज़ किसी लड़की की थी, बहुत मीठी और सुरीली थी, ऐसा लग रहा था सुर बोल रहे हैं। रंजीत और रामदास ने चौंक कर देखा, सामने मद्रासन जैसी स्याह फॉर्म लड़की खड़ी थी। लड़की क्या थी? क़यामत थी। इसका शबाब अपने पूरे जोबन पर था। दोनों जल्दी से खड़े हो गए। लड़की का रंग एक ऐसी कॉफ़ी की तरह था जिसमें क्रीम मिला दी गई हो। इसने बड़े तंगो चुस्त कपड़े पहने हुए थे, जिसने इसके जिस्मानी नशेबो फराज को बहुत नुमाया, बल्कि एक तरह से बेहिजाब कर दिया था। रामदास ने आज तक कोई ऐसा मुतनासिब जिस्म रखने वाली लड़की नहीं देखी थी। इसके खदोखाल भी गजब के थे, आंखें स्याह और जिंदगी से भरपूर, हरारत से चमकती हुई, खूबसूरत रसीले होंठ जो बहुत से अनकहे वादे करते महसूस हो रहे थे। यस मिस, रामदास ने इसे मुखातिब किया। रामदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके जज्बात में ऐसा हैजान पैदा हो गया है जैसा कि एक शादीशुदा आदमी होते हुए नहीं होना चाहिए। मैं इस जैकेट के सिलसिले में आई हूँ जिसे कल रात टीवी पर दिखाया गया था, लड़की ने रसीली आवाज़ में कहा। आवाज़ का तरन्नुम फिजा में बिखर गया। आओ बैठो, रामदास ने कहा, और बताओ कि क्या कहना चाहती हो? लड़की इसकी मेज़ के दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठ गई। रामदास ने पहली निगाह में अंदाज़ा कर लिया कि लड़की तजर्बेकार, ज़माने के सर्द गर्म से आशना और नशेबो फराज से गुजर चुकी है। क्या मैं आपका नाम मालूम कर सकता हूँ मिस? रामदास ने पेंसिल उठाते हुए पूछा। मेरा नाम रूपा अशोक है, लड़की ने जवाब दिया। मैं आशा महल अपार्टमेंट 165 में रहती हूँ, जो माहम में है। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मेरा एक मद्रासी आशिक जिससे मेरे ताल्लुकात थे,
इसके नतीजे में मैंने अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ लगा रखा है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। फिर इसने कहा, ये मेरा पस मंजर है, अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। रामदास ने आहिस्ता से सीटी बजाई। वो आशा महल के बारे में सब कुछ जानता था और पूरा शहर ही जानता था। ढकी छुपी बात ना थी। ये वो इलाका था जहाँ महंगी किस्म की कॉल गर्ल्स रहती थी। गोया ये लड़की भी कॉल गर्ल थी। इसने सोचा, अगर इसकी उम्र 5 बरस की होती और शादीशुदा ना होता, वो इस 165 अपार्टमेंट की तरफ इस तरह लपकता जिस तरह एक छिपकली मक्खी की जानेब लपकती है। तो आपके पास कुछ मालूमात है मिस रूपा अशोक? रामदास ने पूछा। हाँ, हो भी सकती हैं और नहीं भी। कल रात एक आदमी वादा करने के बावजूद नहीं आया, शायद बीमार पड़ गया। चुनाचे मैंने टीवी ऑन कर दिया। मैं आमतौर पर टीवी नहीं देखती हूँ, बहुत बोर होता है। बोरियत कम करने के लिए कुछ देखना पड़ता है। तो आपने टीवी पर जैकेट को देखा था, ठीक है, रामदास ने कहा। रामदास कोशिश कर रहा था कि वो लड़की के क्यामत खेज जिस्म के बारे में नहीं सोचे, लेकिन निगाह थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, इस वक्त आप बिल्कुल अकेली थी और आपने इस वक्त टीवी पर वो जैकेट देखी। जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे फौरन याद आ गया। रूपा ने रंजीत पर निगाह डाली, जो आंखें फाड़े इसे घूरे जा रहा था। क्या ये भी सुराग रिसा है? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत और हैंडसम, फिल्मी हीरो की तरह। इसकी माँ का भी यही ख्याल था। वो कहती थी कि मेरा बेटा इतना सुंदर है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो। रामदास ने कहा, असल बात करें मिस रूपा, जैकेट देखकर तुम्हें क्या याद आया? मुझे याद आ गया कि इसे पहले कब देखा था। रूपा ने जवाब दिया, कब देखा था? रामदास ने इसे सवालिया नजरों से देखा। 5 तारीख को। रामदास चौंक गया। 5 तारीख वो थी जो ब्रोशी को कत्ल किया गया था। क्या आपको तारीख ठीक याद है? रामदास ने कहा, कोई और तारीख तो नहीं थी? तारीख ठीक याद है, रूपा ने इस्बाती अंदाज में सर हिला दिया। यकीनी तौर पर, और इसकी वजह भी बताती हूँ, वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद बोली। इस दिन आकाश का बर्थडे था। आकाश मेरे कुत्ते का नाम है। मैं इसे ब्लू एक्स रेस्टोरेंट ले गई। क्या आप कुत्तों को पसंद करते हैं मिस्टर इंस्पेक्टर? रामदास ने वह मुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। वो कुत्तों से सख्त नफरत करता था। इतनी नफरत दुनिया में शायद किसी से कभी नहीं रही थी। जब आप अपने प्यारे कुत्ते को ब्लू एक्स रेस्टोरेंट ले गई थी, इस वक्त क्या वजह था? रामदास ने दरियाफ्त किया। जहन पर जोर देकर सही वक्त बताएं। लंच टाइम में मैं आकाश के लिए दीवानी हूँ और वो मेरा दीवाना है। बल्कि इसी तरह जिस तरह लैला मजनू एक दूसरे के दीवाने थे, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है, लेकिन जानवरों में ये बात नहीं होती है। जब मैं थकी हुई घर आती हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होता है और देखते ही मुझ पर चढ़ जाता है। रूपा ने एक ही सांस में जवाब दिया। जब तुम अपने कुत्ते के साथ चल रही थी, तब क्या हुआ? रामदास ने सवाल किया। वो शख्स मेरे पास आया, रूपा ने जवाब दिया। आप जानते हैं कि आदमी मेरे पास आते ही रहते हैं। वो ना तो मेरे बगैर रह सकते हैं और ना मैं इनके बगैर। इस शख्स ने गोल्फ की गेंद जैसी जैकेट पहन रखी थी, रामदास ने पूछा। रूपा जो सिगरेट पी रही थी, इसका आखिरी कश लेकर एस्ट्रे में मसल दिया, फिर इसने दूसरा सुलगाया। मैं रुक ही नहीं सकती, इसने कहा, शायद इसलिए कि मैं टेंशन की वजह से आमतौर पर नर्वस रहती हूँ। इसने एक लंबा कश लेने के बाद तौकुफ किया। आपके ख्याल में सिगरेटों के सेहत के लिए खतरनाक होने के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वो सच है क्या? हो सकता है। रामदास का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर इसकी जगह मर्द होता तो इस किस्म की फजूल गुफ्तगू करता तो शायद वो इसे धक्के मारकर निकाल बाहर करता। चूंकि बात जैकेट की थी, इसलिए वो इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। हाँ, तो वो तुम्हारे पास आया। अगर इस खूबसूरत और क्यामत लड़की के बजाय कोई और होता तो अब तक चटकने लगता। क्या वो जैकेट पहने हुए था? नहीं तो, रूपा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। मगर हम जैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्फ की गेंद जैसे बटनों वाली। रामदास ने इसे याद दिलाया। मैं भी इसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ, मगर आप हैं कि दरमियान में मुझे बार बार टोक रहे हैं, रूपा ने बड़ी साफ गोई से कहा। खैर, तो मैं इस आदमी से बात कर रही थी। वो सिर्फ मुझे 50 रुपये पेश कर रहा था। आप जरा तसव्वुर करें कि सिर्फ 50 रुपये, ये भिखारने भी 50 रुपये में किसी मर्द के साथ नहीं जाती हैं। क्या इसने इस तरह मेरी तौहीन नहीं की थी? रामदास के लिए अब बर्दाश्त करना, जब्त करना मुश्किल तर हो रहा था। अगर वो बोलने की कोशिश करता तो यह अकलख किसी आतिशफिशा की तरह फट पड़ता। इसलिए इसने जब्त करने और खामोश रहने में बेहतरी समझी। आकाश जब एक दरख्त पर पेशाब करने गया, रूपा अपनी रो में कहती जा रही थी, तब वो जैकेट वाला करीब से गुजरा। अच्छा, तो इसका हुलिया क्या था? रामदास का गुस्सा कदरे कम हुआ। मगर मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि मैं 50 रुपये वाले को बुरी तरह से मुतासर कर रही थी। क्या इसने वैसी ही जैकेट पहन रखी थी जैसी टीवी पर दिखाई गई थी? रामदास बोला, जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही। ऐसा लगा था कि जैसे वो वही जैकेट पहनकर चला आया हो। और ये लंच के वक्त की बात है? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि वो लंबा था,
درمیانے قد کا تھا یا پھر پستہ قد تھا؟ رام داس نے سوال کیا۔ وہ دراز قد تھا، میں لمبے قد کے آدمیوں کو پسند کرتی ہوں۔ وہ آپ سے بھی لمبا تھا مگر زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ موٹا تھا یا دبلا پتلا؟ اس کے کندھے چوڑے چکلے تھے، جسم کمر کی طرف سے پتلا ہوتا گیا تھا۔ مجھے ایسے ہی نوجوان اچھے لگتے ہیں۔ کیا اس نے ایسا ہیڈ یا ٹوپی پہن رکھی تھی جو دھوپ کے باعث پہنی جاتی ہے؟ نہیں، روپا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر اچھا ہی کیا اس نے، ورنہ میں اس کے بال دیکھ نہ پاتی نہ دیکھ سکتی تھی، جو مجھے بہت پسند آئے تھے۔ رنگ بھی اچھا تھا اور کٹ بھی۔ مجھے شاعروں اور فنکاروں کی طرح لمبے لمبے بال رکھنے والے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بالوں کا رنگ گندمی تھا۔ اس سے متعلق کوئی اور چیز بھی نوٹ کی تھی؟ پتلون ہلکے نیلے رنگ کی تھی جو اس کے شارٹ اسکن جیکٹ کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ پیروں میں گوسی جوتے تھے۔ جوتے میں نے اس لیے نوٹ کر لیے تھے کہ مجھے گوسی جوتے بہت پسند ہیں، روپا نے بتایا۔ رام داس نے گہری سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی بھی سراغ رساں پر یہ بڑا ظلم ہے کہ اسے روپا جیسی لڑکی سے سوال و جواب کرنا پڑے۔ اس کی چال کیسی تھی؟ رام داس نے پوچھا۔ کیا وہ لنگڑا کر چل رہا تھا؟ نہیں، روپا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی چال بڑی باوقار تھی، اس میں تمکنت بھی تھی۔ مس روپا، یہ بہت اہم بات ہے، آپ پوری توجہ سے سنیں۔ یہ پہلا سراغ ہے جو ہمیں روشی اور گنگولی کے قتل کے بارے میں ملا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں خبریں تو پڑھی ہوں گی۔ اس سے پہلے لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی اور وحشیانہ قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں جن کا سراغ ہمیں نہیں مل سکا، لیکن اب گھپ اندھیرے میں ایک کرن نظر آئی ہے۔ میں اس لیے یہاں آئی ہوں کہ اس جیکٹ کے بارے میں بتاؤں۔ میں سریندر کپور کا شو ضرور دیکھتی ہوں اس وقت جب میں مصروف نہیں ہوتی ہوں، روپا نے بتایا۔ ویسے مجھے اس کا شو بہت پسند آتا ہے۔ ہم اس آدمی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات چاہتے ہیں، رام داس نے کہا۔ کیا آپ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ دوسرا سگریٹ اس نے ایشٹرے میں مسل کر تیسرا سگریٹ سلگایا۔ اس کے ہاتھ، وہ ایک لمبا سا کش لے کر ایک لمحے تک سوچتی رہی، میرے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھ، میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو میں نے اس کے ہاتھ دیکھے، وہ بڑے خوبصورت تھے، لمبی لمبی انگلیاں، بالکل مصوروں اور آرٹسٹوں کی طرح۔ ایک سرجن کے ہاتھ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا آپ بتا رہی ہیں، رام داس نے کہا۔ مگر اس کے ہاتھ کسی مصور کی طرح تھے، روپا نے تکرار کے انداز میں کہا۔ رام داس نے اسے مزید کریدا، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ معلوم نہ کر سکا۔ آپ نے ہماری بڑی مدد کی مس روپا اشوک، رام داس نے کہا۔ اگر تم دوبارہ اس آدمی کو پشت کی جانب سے دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ 100% پہچان لوں گی، روپا نے جواب دیا۔ شکریہ مس روپا اشوک، ایک بات کا خیال رکھنا، آپ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے اس کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، کیونکہ وہ بے حد خطرناک آدمی ہے۔ اگر یہ بات عام ہو گئی کہ تم اسے شناخت کر سکتی ہو تو وہ، اس نے اپنا جملہ نا تمام چھوڑ دیا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ مجھے بھی اس لڑکی کی طرح قتل کر دے گا؟ روپا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل کر سکتا ہے، رام داس نے کہا۔ تو پھر اسے جلد سے جلد پکڑ لیں، جب تک وہ پکڑا نہ جائے گا میں خود کو غیر محفوظ سمجھوں گی، وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ جب تک اپنا منہ بند رکھیں گی اس وقت تک اس قاتل کی دست رسائی سے محفوظ رہیں گی، رام داس نے کہا۔ آپ کے خیال میں مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت تو نہیں ہوگی؟ روپا نے پوچھا۔ اول تو اس کی اس لیے بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، اور قاتل کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ آپ نے یہاں آ کر اس کے حلیے کے بارے میں بتایا ہے، اور اس نے اگر آپ کو دیکھا ہوتا تو آپ کو نظر انداز نہیں کرتا، آپ کو ہر صورت میں لے جاتا، کیونکہ وہ ایک جنسی جنونی ہے۔ وہ عزت سے کھیلنے کے بعد آپ کو کسی نہ کسی طرح بے ہوش کر دیتا، پھر آپ کا سارا خون پی جاتا، آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا۔ اگر میرے چیف نے اس کی ضرورت محسوس کی تو ہم ایک باڈی گارڈ ضرور مقرر کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں اور کسی بات کی چنتا نہ کریں، رام داس نے اسے دلاسا دیا۔ جب روپا اشوک چلی گئی تو رنجیت نے گہری اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اس قاتلہ نے اپنا پتہ کیا بتایا تھا؟ رنجیت نے رام داس سے پوچھا۔ اس کا معاوضہ کم سے کم 500 روپے ہوگا، رام داس نے جواب دیا۔ کیا ایک معمولی سراغ رساں افسر ایک کال گرل پر 500 روپے خرچ کر سکتا ہے؟ پولیس میں جو کالی بھیڑے ہیں وہ اس پر 5,000 روپے بھی لٹا سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ دھرم اور دل و دماغ خراب کر دے۔ سریندر کپور کے شو کا جیسے ہی اختتام ہوا، رام دیال نے ٹی وی بند کرتے ہوئے شانتی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے گنگولی کے قتل کی خبر سنی تھی جو سریندر کپور نے بڑی تفصیل سے بتائی تھی، لرزہ خیز قتل کی واردات جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنسی جنونی خونی دیوانہ ابھی تک اس شہر میں موجود ہے اور شکار کی تلاش میں دندناتا پھر رہا ہے۔ سریندر کپور نے آخر میں کہا تھا، یہ اس لیے ہوشیار رہیں، خصوصاً حسین نوجوان پرکشش اور آزاد قسم کی لڑکیاں جو رنگین تتلیوں کی طرح کلبوں، ہوٹلوں اور ساحلوں پر اکیلی اڑتی پھرتی ہیں جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا، کوئی عورت اور لڑکی۔
महफूज नहीं है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि अनूप ऐसा कर सकता है। इसने लम्हे के लिए सोचा कि अपने इस मुलाजिम को एतमाद में लेकर बता दे कि इसने मुलाजमा के जख्म से बहते खून को पीते और चाटते देखा था। मुलाजमा चूंकि बेहोश थी इसलिए इसे खबर ना हो सकी थी, लेकिन वो किसी वजह से खामोश रही। रामदयाल ब्रांडी लाने पड़ा। इसकी नज़र मान खिड़की से बाहर पड़ी। इसने अनूप कुमार को अपनी मर्सिडीज गाड़ी में जाते देखा। अनूप कुमार इस वक्त आनंद गुप्ता की आर्ट गैलरी की तरफ जा रहा था। वो जा रहा है मालिकन, इसने शांति को बताया। मौका अच्छा है, शांति ने कहा। अभी और इसी वक्त जाओ, जाकर इसका स्टूडियो देखाओ। रामदयाल ने पहले तो खुद विस्की पी और फिर इसने ब्रांडी में थोड़ा सा सोडा मिलाकर ब्रांडी शांति को दी ताकि वो पुरसकून हो जाए। चंद लम्हों के बाद ऊपर जाने के लिए जीने पर चढ़कर इसकी नज़रों से ओझल हो गया। शांति तवक्को कर रही थी कि ये कत्ल इसके बेटे ने नहीं किया है, क्योंकि कुछ और खून आलूद कपड़े ज़ाया करने की हिदायत के साथ इसे नहीं मिले थे। मगर तेज़ी से धड़कता हुआ दिल इस दलील से किसी भी तरह मुतमईन नहीं हो रहा था। ये खुद फरेबी थी। वो इस नतीजे में होने वाली रसवाई और बदनामी से खौफजदा थी। जिंदगी ख़त्म होकर रह जाएगी, भला कौन ऐसे दीवाने की माँ से रवाबत रखना पसंद करेगा। वो किसी की ही नहीं बल्कि खुद अपनी नज़रों में गिर जाएगी। आज शाम भी इसे एक पार्टी में जाना था। ये पार्टियाँ इसकी ज़िंदगी थीं। इसकी ज़िंदगी पर कैसा गहरा पर्दा पड़ा था। वो साहले समंदर पर अपने पति के साथ चांदी रात में आज़ादी की हालत में नहा रही थी। इसके बदन की चांदनी पर नाग देवता मर मिटा था। अनूप कुमार इसका खून था। इसने मुखलिस, हमदर्द और बेलौस रामदयाल को नहीं बताया था, नर्मला चौधरी को भी नहीं बताया था। फिर साहले समंदर पर मछली का शहजादा आया था, जिसने इसे असीर करके इसका सारा खून चूस लिया था। इस बात से भी रामदयाल बेखबर था। फिर नर्मला चौधरी हकीकत जानने के लिए कुछ दिन इसकी असीर रही थी। आखिरकार एक मुसलमान बुजुर्ग से इन दोनों को निजात मिली थी। सेहतयाब होने के बाद इसने इन पार्टियों को ज़िंदगी का महवर बना लिया था, जिससे न सिर्फ इसका वक्त कट जाता था बल्कि इसकी आत्मा को एक अजीब सी शांति मिलती थी। वो इन सोचों में गलता थी कि आहट सुनकर इसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। रामदयाल खड़ा था। इसका चेहरा सफ़ेद धुली चादर की तरह हो रहा था। क्या हुआ रामदयाल, शांति ने हैरत और खौफजदा लहजे में पूछा। इसे एहसास हो गया था कि रामदयाल के पास अच्छी खबर नहीं है। वो एक कटे हुए सर की तस्वीर बना रहा है मालिकन। इसकी आवाज़ वीरान और खोखली थी, जो शांति को दूर से आती सुनाई दी। शांति ने फौरन ही कांपते हाथों से ब्रांडी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो कदरे हौसला बहाल होने पर बोली। जाओ अपना काम करो, ये समझो कि कोई डरावना ख्वाब था। तो क्या हुआ, एक आबरू बाख्ता और एक हिप्पी की परवाह कौन करता है, शांति ने बेपरवाही के अंदाज से कहा, लेकिन इसके लहजे में तेजी थी। क्या तुम अपनी मुलाजमत से हाथ धोना चाहते हो? क्या तुम ये समझते हो कि मैं इसके घर से निकल जाना पसंद करूंगी? अनूप जो चाहे करे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। याद रखो, हम कुछ नहीं जानते, हम अंधे बहरे और गूंगे हैं। मालिकन वो हद से खतरनाक हो गया, वो आप पर भी हमला कर सकता है। रामदयाल ने दानिस्ता अपना नाम लेने से गुरेज किया। वो मुझ पर हमला करेगा, अपनी माँ पर? फजूल बातें मत सोचो, मैंने कहा ना कि हम कुछ नहीं जानते, शांति ने एक ही सांस में ब्रांडी का ग्लास खाली करते हुए कहा। एसपी मुखर्जी अपनी मेज पर बैठा था। फर्नांडस, नारायण और रामदयाल बैठे हुए थे। काफी का दौर चल रहा था। हम इस पागल आदमी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, एसपी मुखर्जी ने कहा। हमें चौथी जैकेट के सिलसिले में बहुत ही अहम बातें मालूम है। इस आदमी का जो हुलिया मालूम हुआ है, वो बाकी तीन जैकेट खरीदने वालों से नहीं मिलता। ये चौथी जैकेट जरूर वही है जिसके बारे में मिसेस रोप ने कहा था कि वो खैराती इदारे को दे दी गई है। हम इसका सुराग लगाना चाहते हैं। इस आदमी के बारे में जो बातें मालूम हुई हैं, इनसे अंदाजा होता है कि वो कोई ऐसा फर्द नहीं हो सकता इस इदारे की मदद का जरूरतमंद हो। वो जो गोसी जूते पहनता है, अपने लिए एक क्या 10 अदद जैकेट भी खरीद सकता है। शहर में ऐसे नकली दौलतमंद भी हैं जिनकी जेब खाली रहती है, नारायण ने कहा। मगर वो दौलतमंदों की तरह बड़े ठाट पाट से रहते हैं, खास तौर पर नौसरबाज ज्यादा, वो जो उधेड़ उम्र की औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। हो सकता है कि वो ऐसा ही कोई आदमी हो जिसने वो जैकेट जो इस इदारे से चुराई हो, या फिर मामूली कीमत देकर खरीद ली हो, इस तरह के गोसी जूते भी चुराए हों। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? हर बात मुमकिन है, एसपी मुखर्जी ने सर हिलाया। मुनासिब होगा कि हम मलबूसात फरोख्त करने वाली दुकानों को चेक करें। मेरे ख्याल में ये काम तुम संभालो रामदास, मालूम करो कि कोई ऐसा डीलर तो नहीं है जिसने गोसी जूते फरोख्त किए हों। अगर बेचे हैं तो कैसे? इस वक्त शर्मा ऑफिस में दाखिल हुआ। सर, मेरा ख्याल है कि मुझे कोई खास बात मालूम हो गई है, इसने पुरजोश लहजे में कहा।
मैंने इस इदारे के दो कारकुनों को चेक किया, वो घूम फिर के कपड़े जमा करती हैं। मैं इस ट्रक ड्राइवर शरद को साथ ले आया हूँ। इसके बाप का नाम टोनी है, वो भिंडी बाजार में पुराने कपड़े फरोख्त करता है। मैं इसके घर गया था, मैंने देखा कि इदारे के ट्रक से वहाँ कुछ कपड़े उतारे जा रहे हैं। शरद ने इतराफ़ किया कि वो कभी कभी कुछ कपड़े बाप को दे देता है ताकि अपनी दुकान पर फरोख्त कर दे। ये सुनते ही फर्नांडस जल्दी से खड़ा हो गया। मैं इसे देखता हूँ सर, इसने कहा और बाहर चला गया। रामदास भी इसके साथ था। शरद एक बेंच पर बैठा था और गश्ती पुलिस का एक कांस्टेबल इसके सर पर सवार था। फर्नांडस कुर्सी पर बैठ गया, रामदास खड़ा रहा। तुम किसी भी परेशानी में फंस सकते हो, फर्नांडस ने शरद को मुखातिब किया। परेशानी, शरद चिढ़कर बोला, क्या आप पागल हो गए हैं, कैसी परेशानी, वो कपड़े लोगों ने दे दिए हैं। हाँ, लोगों ने इस इदारे को दिए हैं, तुम खुद इन्हें लेने का हक नहीं रखते। अच्छा, भला इदारा इनका क्या करता है, वो इन्हें किसी को दे देता है। अगर मैंने अपने बाप को दे दिए तो क्या गलत किया, फ़र्क क्या पड़ा। ऐसा तुम कब से कर रहे हो? शायद 6 माह से, मुझे ठीक से याद नहीं और ना मैं परवाह करता हूँ। मगर तुम्हें करना चाहिए, तुम रिफाही इदारे के कपड़े चुराते हो, तुम्हें 3 महीने की सज़ा हो सकती है। आप मुझ पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते, मैं अपने हकूक जानता हूँ, लोग मुझे कपड़े देते हैं। ठीक है, मैं इनमें से चंद कपड़े निकाल कर अपने बाप को दे देता हूँ। ठीक है, मैं इस इदारे को दे देता हूँ, इस वक्त तक ये इदारे की मलकियत नहीं बनते जब तक मैं इनके हवाले न कर दूँ। वो कपड़े इस लम्हे इस इदारे की मलकियत बन जाते हैं जब तुम इस इदारे के ट्रक में रखते हो, फर्नांडस ने कहा। अगरचे दुरुस्त है तो फिर सुन लो कि वो ट्रक मेरा है, शरद ने कहा। मैं रजाकाराना तौर पर इस इदारे की मदद करता हूँ, ट्रक के पेट्रोल का खर्च भी मेरी जेब से जाता है, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी मैं अदा करता हूँ। चुनाचे मुझे इस बात का अधिकार है कि नखराजात के बदले अपने बाप को कुछ कपड़े दूँ। फर्नांडस ने गहरी सांस ली, वो समझ गया कि शरद को मरहूब नहीं किया जा सकता। चलो छोड़ो, वो बोला, हमें सिर्फ इस नीली जैकेट से दिलचस्पी है जिसमें गोल्फ के गेंद जैसे बटन लगे थे। क्या तुमने ऐसी कोई जैकेट अपने बाप को दी थी? अच्छी तरह से याद करके बताओ। मैं क्या बता सकता हूँ, शरद ने कहा, इसलिए कि मैं हर कपड़ा नहीं देखता। पिताजी को एक बंडल दे देता हूँ, वो इसमें से अपनी पसंद के कपड़े रखकर बाकी मुझे वापस कर देता है और फिर मैं इन्हें ले जाकर इस इदारे को दे देता हूँ। फर्नांडस ने बड़ी बेबसी से रामदास की तरफ देखा तो रामदास अपने कंधे उचका कर रह गया। आप इसके पिताजी से पूछें, फर्नांडस ने रामदास से कहा, शायद वो बता सकें। अब तुम जा सकते हो, फर्नांडस ने शरद को जाने की इजाज़त दे दी। टोनी भी अपने बेटे की तरह दराज कर था, इसकी दुकान इस्तेमालशुदा कपड़ों से भरी हुई थी। रामदास दुकान में दाखिल हुआ तो टोनी एक बहुत ही फरबा अंदाम शख्स का नाप ले रहा था ताकि इसके साइज की पतलून निकाल सके। जब तक ये खरीदारी मुकम्मल नहीं हो गई रामदास को इंतजार करना पड़ा। रामदास सादे लिबास में था लेकिन टोनी ने इसकी वजाकता, चेहरे मोहरे और चेहरे की सख्ती से महसूस कर लिया था कि इसका ताल्लुक पुलिस से है। रामदास ने इसका शक दूर करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। हम एक नीली जैकेट की तलाश में हैं, वो बोला, जिसमें गोल्फ की गेंद जैसे बटन लगे हैं। ऐसी कोई जैकेट तुम्हारे पास तो नहीं है? टोनी इसकी बात सुनकर जहन पर जोर देकर चंद लम्हों तक सोचता रहा। फिर इसने कहा, हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहा है कि एक ऐसी जैकेट मेरे पास थी, आपने नीले रंग की बताई है। हाँ, रामदास चौंककर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं नीले रंग की जैकेट के बारे में ही पूछ रहा हूँ, मगर वो जैकेट कई रंग की थी, ये तकरीबन 2 साल की बात है। मुमकिन है इस बात को 3 बरस हो चुके हों। वो इसलिए भी याद है कि इसके बटन इतने गैर मामूली थे कि याददाश्त में महफूज रह गए, मगर मैं जिस जैकेट की बात कर रहा हूँ वो नीली थी, रामदास ने कहा। नहीं, टोनी ने नफी में सर हिला दिया, तो मैंने इसे नहीं देखा। तुम्हारे स्टाफ में से शायद किसी को याद होगा कि वो किस रंग की थी, रामदास बोला। शायद वो, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, टोनी ने इसकी बात काट दी। रामदास शदीद मायूसी की हालत में दुकान से बुड़बुड़ाता हुआ निकल आया। जिस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तब इसे अचानक याद आ गया कि रीमा के लिए एक बैग खरीदना है, मगर हफ्ते की सुपहर को वो बैग कहाँ से खरीदे। अगर इसने तोहफा नहीं दिया तो रीमा दूसरे कमरे में जाकर सो जाएगी। इसे मजीद जलाने के लिए शब ख्वाबी के लिबास में मेकअप करके बदन पर परफ्यूम से नहा कर गुजरेगी। रामदास को शॉपिंग से इस कदर नफरत थी कि कोई दूसरा अंदाज़ा नहीं कर सकता था। वो शादी के बाद एक बार भी रीमा को शॉपिंग पर नहीं ले गया था। हेलो इंस्पेक्टर, एक रसीली नस्वानी आवाज़ इसके कानों में गूंजी। रामदास ने निगाह उठाकर देखा तो कुलदीप कौर खड़ी थी। रामदास ने इसके सरापा का जायज़ा लिया, अंग अंग से मस्ती उबल पड़ती थी, पक्के फल जैसा रसीला बदन था। क्या लड़की है, क्या शबाब है, इसने दिल में कहा। वो जिसकी भी झोली में गिरती होगी इसको मज़े आ जाते होंगे। हेलो मिस कुलदीप कौर, इसने कुलदीप कौर को नज़रों में जज़ब करते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लंच खा कर आ रही हूँ अकेली, वो बोली। मेरा बॉस तो चला गया है और मुझे काम करने के लिए छोड़ गया है, इधर किसी काम से आई थी।
क्या मिस्टर मोहन कहीं बाहर गए हुए हैं? रामदास ने सवालिया नजरों से देखा। हाँ, इसके ससुर साहिब शदीद बीमार हैं, कलदीप कौर ने जवाब दिया। अब वो पीर के दिन दफ्तर आएंगे। कत्ल की तफ्तीश कैसी चल रही है? बस हो रही है, रामदास ने जवाब दिया। इसे ख्याल अचानक आया, अगर आपके पास वक्त है तो मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? आपके लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, कलदीप कौर ने प्यासी नजरों से देखते हुए पलकें झपकाई। तो इसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। मुझे अपनी बीवी को इसकी सालगिरह पर तोहफा देने के लिए एक पर्स खरीदना है, रामदास ने कहा। आप बताएं कि मैं क्या करूं? किस तरह का पर्स? पर्स की भी किस्में होती हैं, कलदीप कौर ने कहा। मालूम नहीं, बस देखने में दीदा जेब हो, अच्छा हो, वो बोला। मेरी बीवी को मुश्किल से ही कोई चीज़ पसंद आती है, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, कलदीप कौर हंसने लगी। सवाल ये है कि आप कितना खर्च कर सकती हैं? लगभग 500-600 रुपये। नहीं, रामदास ने सर गुजाया, इतना महंगा नहीं, मेरा ख्याल 100-150 रुपये तक का है, मैं गरीब पुलिस वाला हूँ। तो फिर आप सिंधी मार्केट के करीब जो सुमित्रा बुटीक है इसमें देख लें, कलदीप कौर ने जवाब दिया। सुमित्रा को अपनी पसंद और मुतवक्को कीमत बता देना, वो खरीदारी में आपकी मदद कर देगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम निपटा कर दफ्तर में पहुँचना है। और फिर वो अपने भरे भरे कूले मटकाती, चमकती थिरकती और मस्ताना खरामी से रामदास के दिल पर क्यामत ढाती गुजर गई। रामदास जब तक सिंधी मार्केट के करीब नहीं पहुँचा, इसके दिलो दिमाग पर कलदीप कौर का पुरशुबा बदन छाया रहा। इसे रूपा अशोक भी याद आई थी, जो काल गर्ल थी। इसने रुखसत होते वक्त कहा था, अगर इसे खिदमत का मौका दिया जाए तो खूब सेवा करेगी। तब इसने कहा था कि वो एक हसीन और नौजवान पत्नी का पति है। कीमती अशिया की दुकानें हफ्ता की सुबह को खुली रहती थी। वो अपनी गाड़ी पार्क करके लंबी सड़क पर आगे बढ़ गया। इसे सुमित्रा के बुटीक की तलाश थी। अभी इसने चंद कदमों की मुसाफत तय की थी कि इसने आन गुप्ता की आर्ट गैलरी देखी। और चूंकि वो हर दुकान की शो विंडो देखते हुए आगे बढ़ रहा था, इसलिए आन गुप्ता की दुकान के शो विंडो में रखी हुई अनूप कुमार की बनाई हुई तस्वीर देख ली। इसके कदम आप ही आप रुक गए। इसे अपने जिस्म के रोंगटे खड़े हुए महसूस हुए। खून की तरह सुर्ख चांद, काला आसमानी, नारंगी साहले समुंदर। इसने कुछ और करीब जाकर इस तस्वीर को घूरा। वो भगवान, इसने सोचा, इस बूढ़ी जादूगरनी ने तो यही पेशगोई की थी। इसे याद आया कि गुज़िश्ता बरस जब वो एक कातिल को तलाश कर रहा था, तो इस बूढ़ी शराबी औरत ने बताया था कि कातिल को संतरों में तलाश करो। जब वो कातिल पकड़ा गया तो संतरे फरोख्त कर रहा था। तो क्या इस मरतबा भी इसकी पेशगोई सच्ची है? इसे अचानक कालगढ़ रूपा अशोक की बात याद आ गई। इसने बताया था कि जिस आदमी को इसने वो जैकेट पहने हुए देखा था, इसके हाथ आर्टिस्टों जैसे थे। क्या जिस मुसव्विर ने ये तस्वीर बनाई है वही कातिल है जिसे तलाश किया जा रहा है? वो चंद लम्हे तक खड़ा सोचता रहा और हिचकिचाता रहा, फिर दुकान में घुस गया। मुरली बहुत बोर हो रहा था। इसके ख्याल में आंत गुप्ता का ये इसरार कि दुकान हफ्ते की सुबह तक खुली रखी जाए एक बेकार की जहमत थी। और फिर इस पर मुतजाद ये कि बाकी सेल्समैन छुट्टी करते थे, हेड सेल्समैन होने की वजह से सिर्फ इसे ही दुकान में मौजूद रहना पड़ता था। ये ठीक है कि तकरीबन 8 हफ्ते कबल एक बूढ़ी मालदार औरत फिरते फिरते इनकी दुकान में आ गई थी और इसने एक नायाब चीज़ जो कि नकली थी 60,000 रुपये में खरीदी थी। मगर इसके बाद आज तक कोई ग्राहक हफ्ते की सुपहर को नहीं आया था, जबकि आंत गुप्ता का कहना था क्या पता सुपहर के वक्त कोई और अहमक ग्राहक आ जाए। आखिर तुम्हें जुमेरात और इतवार की छुट्टी भी तो होती है, और क्या चाहते हो? मुरली को मजीद गुस्सा भी था कि इसे अनूप कुमार के घर जाकर तस्वीर भी लाना पड़ी थी। तस्वीर भी बड़ी वाहियात, ये कोई तस्वीर है जो शो विंडो में रखी जाए? हम इसे रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? ये एडवांस आर्ट है, आंत गुप्ता ने जवाब दिया। आप इसे एडवांस आर्ट कहते हैं? मुरली ने तकरार की। ये आर्ट की तोहीन है, ये किसी आर्ट का नाम नहीं है, तुम इसे खिड़की में रख दो, आंत गुप्ता ने जवाब दिया। मैंने इसकी तस्वीर की नुमाइश का जो वादा किया वो हर सूरत में पूरा करना है। ये कहकर आंत गुप्ता अपनी दुकान के ऑफिस में चला गया। मुरली फिल्मी सितारों का एक मैगजीन देखकर इसकी रंगीन और नीम पुरिया तस्वीरें देखकर खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था। रामदास दुकान में दाखिल हुआ। वो हर पुलिस ऑफिसर को जानता था और इसे मालूम था कि रामदास बड़ा होशियार आदमी है। इसने अपने पैर से खुफिया बटन दबाया। आंत गुप्ता ने अपनी मेज़ पर सुर्ख बल्ब जलते देखा और समझ गया कि दुकान में कोई पुलिस वाला आ गया है। इस वक्त गैलरी में कोई काबिले गिरफ्त चीज़ नहीं थी, इसलिए वो घबराया तो नहीं, लेकिन हैरान ज़रूर हुआ। किसी पुलिस वाले ने गुज़िश्ता 6 माह से इसकी गैलरी का रुख नहीं किया था और पुलिस ना ही इसके गाहकों में से थी। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठा और दरवाजे से झांक कर देखा। हेलो श्री रामदास, आंत गुप्ता ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आपने तो इधर का रुख करना ही छोड़ दिया,
एक मिनट, मुझे अंदाज़ा लगाने दें। आप ज़रूर अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा खरीदना चाहते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रामदास इस अंदाज के इस्तकबाल से कुछ मुतअज्जिब था। मुरली ने एक अलमारी खोली और ब्रोच का एक मैट निकाला। इसे देखो, मुरली ने कहा, ये 16वीं सदी की एक नायाब चीज़ है। आपकी पत्नी इसे पहनेगी तो लोग रश करेंगे। आम गाहकों के लिए इसकी कीमत 1000 रुपये है, लेकिन मैं आपको 500 रुपये में दे दूंगा। आप उस खुशी का अंदाज़ा करें जो आपकी पत्नी इसे पाकर महसूस करेंगी। रामदास ने संभल कर मुरली को सख्त नज़रों से देखा। इसकी सेल्समैनशिप इसे सख्त नागवार लगी थी। तुम्हारी शो विंडो में वो तस्वीर कैसी है? रामदास ने तेज़ी से कहा, वही जिसका चांद सुर्ख है। क्या बात है, मुरली ने बांछें फाड़ दी। यह आप कमाल की नज़र रखते हैं। आपके घर की दीवार पर वो तस्वीर आपकी याद पत्नी को हमेशा दिलाती रहेगी कि कैसी नादिर तस्वीर से इसे सजाया है। मैं इसे खरीदना नहीं चाहता, रामदास ने सख्त लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये तस्वीर किसने बनाई है। आनंद गुप्ता ने फैसला किया कि अब मौका है, इसे जाहिर हो जाना चाहिए। एक मोटी आसामी फंस रही है। अरे मिस्टर रामदास, आज आप कहाँ रास्ता भूल पड़े? इसे रामदास की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप हमारे विंडो में रखी हुई तस्वीर के बारे में पूछ रहे हैं। इसका मुसव्विर कौन है? रामदास ने स्पार्ट लहजे में पूछा। मॉडर्न आर्ट से आपकी दिलचस्पी आपकी अकलमंदी की दलील है। आज एक तस्वीर खरीदो, चंद वर्षों के बाद इसकी चौगनी कीमत बआसानी मिल जाएगी, इसलिए लोग मॉडर्न आर्ट की तस्वीरें खरीदते हैं। रामदास के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे कोई भारी हथौड़ा नंगे फर्श पर गिरा हो। ये पुलिस का मामला है, रामदास ने तेजी से कहा। इसे किसने बनाया है? किसने बनाया है? आनंद गुप्ता ने सोचने की अदाकारी की। आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, इसने रुक रुक कर कहा। क्या मतलब है बिल्कुल भी याद नहीं? रामदास ने इसे घूर कर देखा। इसे एक मुसव्विर हमारे पास फरोख्त की गर्ज से दे गया था। तस्वीर अच्छी ज़रूर है मगर ज़्यादा कीमती नहीं है। मैंने सोचा चलो इसे खिड़की में रखने में क्या हर्ज है, शायद कोई अजीब चीज़ ही खरीद ले। मैं इसे 200 रुपये में खरीद कर दूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मुसव्विर कौन है? रामदास का लहजा सख्त हो गया। जहाँ तक मुझे याद है, इसे ना कोई नाम पता छोड़ा और ना ही तस्वीर पर अपना नाम लिखा। वो तस्वीर कब दे गया था? चंद हफ्ते पहले। इसका हुलिया क्या था? इसका हुलिया, आम गुप्ता ने दोहराया, मालूम नहीं, मैंने इससे बात नहीं की थी। मुरली, क्या तुमने की थी? मैंने भी इससे कोई बात नहीं की थी, मुरली ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर किसने की थी? रामदास को गुस्सा आ गया, शायद किसी दूसरे सेल्समैन ने, आनंद गुप्ता ने जवाब दिया। बहुत से मुसव्विर आते रहते हैं, मेरे या मुरली के लिए इन सबसे बात करना मुश्किल है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि ये पुलिस का मामला है, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में बात नहीं आ रही, रामदास ने बरहमी से कहा। हमारे पास ये यकीन करने की वजह मौजूद है कि जिस शख्स ने भी ये तस्वीर बनाई है, इसका रोशनी और गंगोली के कत्ल से गहरा ताल्लुक है। आनंद गुप्ता को ऐसा लगा जैसे इसके दिल की धड़कन रुक गई हो, मगर इसे अपनी दिली कैफियत और तासरा छुपाने में बड़ी महारत थी। आपने ये कैसे समझ लिया? इसने स्पार्ट लहजे में कहा। इस बात की परवाह मत करो, रामदास ने जवाब दिया, मुझे इस आदमी का हुलिया चाहिए। आनंद गुप्ता को अनूप कुमार का ख्याल आया और इसे ये भी याद आया कि अनूप कुमार पर 50,000 रुपये की रकम वाजिब है। मैं अपने स्टाफ से पूछूंगा, आनंद गुप्ता टालने की गर्ज से बोला। आज हफ्ता होने की वजह से वो छुट्टी पर हैं,